डोनेस्क में यूक्रेनी सेना की गोलाबारी। डोनेस्क के शॉपिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। शॉपिंग सेंटर पर हमले में कई लोग जख्मी हो गए। अरब से बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा है कि ईरान इसराइल पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। यह हमला कब, कहां होगा, किस शहर को ईरान सबसे पहले टारगेट करेगा, इसके बारे में अमेरिकी अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं। रिपोर्ट सामने आने के बाद इसराइल से वॉशिंगटन तक टेंशन हाई है। इसराइल ने अपनी सुरक्षा तैयारियां बढ़ा दी हैं। सवाल है कि क्या 79 साल दुनिया में फिर परमाणु विस्फोट होने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए, वॉशिंगटन में एक के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। इसराइल में नेतन्याहू IDF के साथ बैठकें कर रहे हैं। इस इमरजेंसी और तनाव के पीछे अब तक के सबसे बड़े विध्वंस की आशंका है, ऐसा विध्वंस जिसमें इसराइल जलकर खाक हो सकता है। इन आशंका के पीछे अमेरिकी सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के दावों में अरब विध्वंस की वार्निंग छिपी है। रिपोर्ट में दावा है कि ईरान इसराइल पर हमले की रणनीति तैयार कर रहा है। वो किसी भी वक्त इसराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ईरान का हमला बिना किसी चेतावनी के होगा। बीते 3 हफ्तों में इसराइल ने ईरान को कई बड़े जख्म दिए हैं। हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया और हिजबुल्ला कमांडर फवाद शुक्र की हत्या के बाद से ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। ईरानी प्रॉक्सी को उम्मीद थी कि खामेनेई बहुत जल्द इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन अब तक ईरान शांत है। अब अरब वर्ल्ड में उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अमेरिकी राजदूत जॉन बोल्टन ने भी ईरानी हमले की आशंकाओं पर मोहर लगाई है। उन्होंने एक बयान में कहा, हानिया की हत्या से ईरान अपमानित हुआ है। यह खामेनेई के लिए संकेत था कि ईरान में कोई सुरक्षित नहीं है। विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ईरान को वास्तव में कुछ करना होगा। संभव है ईरान अचानक कोई बड़ा हमला कर सकता है। इस्माइल हानिया की हत्या ईरान में 31 जुलाई को हुई थी, जिसे 16 दिन बीत चुके हैं। माना जा रहा है कि ईरान के अब तक चुप रहने की वजह बड़ी जंग की तैयारियां हैं। दरअसल ईरान जानता है कि IRGC ने इसराइल पर हमला किया तो अमेरिका उसको बचाने या बदला लेने जरूर आएगा। वो खुलकर इसराइल के साथ जंग में खड़ा होगा। ऐसे में ईरान हमले से पहले फुल प्रूफ प्लानिंग में जुटा है। ईरान की रूस और चीन के साथ सीक्रेट मीटिंग चल रही है। वो हमले से पहले जिनपिंग और पुतिन को भरोसे में लेना चाहता है, ताकि अमेरिका के वॉर ग्राउंड में आने पर चीन रूस उसके साथ खड़े हों। ईरानी तैयारियों का इनपुट मिलने के बाद अमेरिका ने एक खतरे का अलार्म दे दिया है, जिसके बाद इसराइल भी चौकन्ना है। वो ईरानी तैयारियों को ध्वस्त करने और भीषण पलटवार के लिए तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू ने IDF को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है, किसी भी बड़े हमले के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। युद्धक तैयारियों को लेकर IDF ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। IDF के प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने अपने एक बयान में कहा, इसराइल के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। हिजबुल्ला और ईरान के बड़े हमले की आशंका है। हमने अपनी सुरक्षा में और सुधार किया है। लेबनान बॉर्डर की तरफ हर हरकत पर नजर है। दूसरे दुश्मनों की खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। साफ है, IDF किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि इजरायली नागरिकों के लिए अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन खतरे से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है और शहर में बने बंकरों की जांच हो रही है। दरअसल इनपुट ये भी है कि ईरान इसराइल के खिलाफ परमाणु हथियारों से हमले के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। दावा है कि ईरान के पास 8 से 9 परमाणु बम हैं। ये सभी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर लोड हैं। ईरान बदले के लिए तेल अवीव पर परमाणु बम दाग सकता है। हालांकि इसराइल साफ कर चुका है कि वो ईरान के किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है, फिर चाहे वो परमाणु बम ही क्यों ना हो।
इसराइल ने ऐलान कर दिया है अगर ईरान की तरफ से परमाणु हमले की तैयारियों की जरा भी भनक लगी तो तेहरान से पहले हमला तेल अवीव करेगा जो समूचे ईरान को राख कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।